Oh shit, here we go again. लोकल से बताया कि यहाँ जो भी गाड़ियां जाती हैं वो कोई भी बच नहीं पाती है। और भाई 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 भाई, भाई, भाई रिवर्स कर रिवर्स कर रिवर्स कर, देख 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 देख, कुछ तो है कुछ तो भाई, किधर 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 जाए किधर, चल जो भी रास्ता मिलता है पहले टर्न कर टर्न कर टर्न कर, जल्दी कर, बस यहाँ से निकल, देखते जो भी होगा आगे, पहले ये सड़क तो पकड़ भाई। ये रास्ता भी भुता ही लग रहा है, पर पता नहीं, ऑलमोस्ट 2400 किलोमीटर हमने दो दिन में चलाया। आज की अगर बात करें तो 1400 किलोमीटर हमने पूरे 23 घंटे नॉनस्टॉप ड्राइव की है। मतलब अगर काउंट करें तो 40 घंटों से भी कम समय में हमने 2400 किलोमीटर ड्राइव किया है। तो आपको मैं थोड़ा रिकैप कर दूं, हम लोग चले थे धनुषकोटी से धनबाद के लिए और रात को 1 बजे हम लोग रुके थे विजयवाड़ा में लेमन ट्री होटल में। तो ये हम यहाँ चेक इन कर चुके हैं और यहाँ पे हमने रेस्ट लिया है। तो ऑलमोस्ट ये 1000 किलोमीटर का सफ़र जो विजयवाड़ा तक का था हमने 13 घंटे में पूरा कर लिया। और एक चीज़ तो है, सड़क कहीं पे ख़राब नहीं थी। मतलब एक जगह पे कहीं पे गड्ढा आया त्रिची के बाद, तो डॉक्टर मनीष ने बोला ये क्या हुआ, मैंने बोला क्या हुआ भाई, तो सर गड्ढे आ गए। बाकी एक जगह गुंटूर वगैरह पे चूंकि वाटर लॉगिंग थोड़ी सी है, बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, तो थोड़ी बहुत एक जगह पर गड्ढे हैं, पर सड़क लाजवाब है। तो अभी रात के 12:30 बज गए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 12:15 बजे हम चेक इन कर चुके थे और अब जो है हम सोने जा रहे हैं। कल सुबह देखते हैं, 5 से 6 बजे का निकलने का प्लानिंग है। इसी के साथ आज के लिए शुभरात्रि, मिलते हैं कल सुबह। गुड मॉर्निंग विजयवाड़ा, एज यूजुअल हम लेट हैं, अलार्म तो बज रहा था बट बहुत थके हुए थे तो हम लोग उठे हैं। देखिए डॉक्टर मनीष अलार्म लगा के अभी तक सो रहे हैं और 6 बज चुका है, बस अब रेडी होके से निकलने की तैयारी करते हैं। सोचा आपको एक बार व्यू दिखा दो यहाँ का। ये रूम नंबर 6009 जिसमें हम रात को स्टे किए थे और सुबह के 7 बज चुके हैं, पर कोई बात नहीं, हमने रेस्ट अच्छा किया है और हम ये चल पड़े हैं। धनबाद को टारगेट तो है, धनबाद आज ही कर लेना है। ऑलमोस्ट ये जो सफ़र है अब 1370 या 1400 किलोमीटर के आसपास का है, जिसकी गूगल टाइम जो दिखा रहा है 29 घंटे है। हम कोशिश करते हैं, देख पाते हैं कितने में पहुँचते हैं। डॉक्टर मनीष ऐसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं इस चीज़ों पर कि रेस्ट ज़्यादा हो, कम से कम 5 घंटे नींद हो, तो वो हमने पूरा भी कर लिया। तो अब हम निकल चुके हैं विजयवाड़ा शहर में और यहाँ से होते हुए पहुँचेंगे हाईवे। तो हम हाईवे पे पहुँचते विजयवाड़ा से होटल से निकल के ऑलमोस्ट 8 बज गए थे हमें NH-16 पकड़ने में। एक्चुअली कुछ हमें लेना भी था, फल वगैरह, हमने तो बस स्टैंड चले गए वहाँ से लिया। और आप देखेंगे कि बहुत ग्रीनरी है पूरे रास्ते में और सड़क भी, ये देखिए नीला आसमान की तले ये पूरी हरियाली है चारों तरफ पे, सड़क भी अच्छी है। विजयवाड़ा के पास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, जैसा कि हमने कल चेन्नई से पहले ही देखा था, सब बड़े शहर के आजू बाजू ट्रैफिक ज़्यादा हो ही जाती है। और यहाँ भी विजयवाड़ा से हम ऑलमोस्ट शहर को छोड़े हैं तो ये ट्रैफिक थोड़ी सी कम है और सड़क अच्छी बनी हुई है, यही सड़क ये कोलकाता तक जाती है। कहते हैं ना, असली मज़ा मंजिल का नहीं रास्तों का है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर सड़क है, कितनी हरियाली है और ये रास्ते में चलने में जो मज़ा आ रहा है वो सिर्फ मैं एहसास कर सकता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की। भाई मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। ये देखिए ये जो सड़क है वही NH-16 ही हम पकड़ रखे हैं, उसी पे चल रहे हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। सड़क भी बहुत अच्छी है, साइड साइड से अगर आप देख पा रहे हैं तो सब में बैरिकेडिंग की हुई है, नेट लगाया हुआ है ताकि कोई छोटे से छोटा जानवर भी नहीं आ सकता है और अच्छे हाइट तक है, तो कोई भी कूद कर या उछल कर भी आने वाले जानवर हैं वो भी नहीं आ पाएंगे। और सड़क बहुत ही अच्छी प्यारी बनी हुई है, बहुत ही स्मूथ है और मज़ा आ रहा है। ये बहुत ही नेचर, आप अगर कुछ जगह पे जो आपको शायद वीडियो पे ना दिखा पाऊँ, अगर आप बादलों में देखेंगे, NH-16 की थी तो इंडिकेटर दे रही थी हूटा बजा के, तो हमें लगा कि भाई कहीं कोई एम्बुलेंस है कुछ तो नहीं है, पर ये NH-16 की गाड़ी थी तो ये लोग आगे निकल गए हैं। और अगर साइड साइड में आप बादलों को देखेंगे ना, वो नीले बादलों के तले, तो लगता है जैसे बादल तैर रहा है बीच में और उसके बियॉन्ड भी आप देख सकते हैं,
तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये, और हम तो पूरा आनंद ले रहे हैं इस ड्राइव का। कल तक तो हमारे पास पराठे थे, हमने होटल से पैक करा लिया था। कल भी उससे पहले जब हम बैंगलोर से निकले थे तो हमने कुछ लिख दिया और पैक करा लिया था जो कि हम खाते हुए आ रहे थे। आज हमने सिर्फ अपना एक ब्रेकफास्ट जो वो लोग सैंडविच देते हैं साथ में पैक पार्सल के लिए, अर्ली मॉर्निंग का निकलना हो तो वो लोग एक जूस, एक एप्पल, एक बनाना और एक सैंडविच देते हैं। वही है हमारे पास, जिसमें कि कुछ कुछ का हमने सेवन किया है, कुछ अभी बचे हुए हैं। उसके बाद अब देखते हैं, कहीं आज हमें हॉल्ट करना ही पड़ेगा वो पराठे या कुछ भी ऐसी चीज़ें पैक कराने को जो कि हम रास्ते पर, जिससे कि रुकना ना पड़े हमें बाद। बिकॉज हम नॉर्मली जब ड्राइव करते हैं तो हमारा जो होता है स्टे वो सिर्फ स्ट्रेटजिकल स्टॉप्स ही होते हैं, जो कि पिच स्टॉप्स आप बोलिए, आइदर डीजल रिफ्यूलिंग के लिए या फिर इंटरनल वॉशरूम्स के लिए। तो आज लगता है कि हमें खाने के लिए भी कहीं लगता नहीं है, रुकना ही पड़ेगा। चीज़ बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज़ है, लेकिन इसमें खर्चा इतना है ना कि असली वाले अमीर ही अफोर्ड कर सकते हैं। ये यादव बलम में कि हनुमान जी की सी मूर्ति है। हमारे कैमरामैन डॉक्टर मनीष शेखर आपको अच्छे से अगर दिखा पाए, ये इनकी कलाकारी पे मुझे संदेह वैसे नहीं है, लेकिन कभी कभी थोड़ा ये अभी ये सिर्फ सर्च करने में है कि किस रूट से हम जाए किस रूट से ना जाए। तो अभी तक जो निर्णय हो पाया है कि ना ही हम झांसू गोला होके सिमडेगा होते हुए जाएंगे, ना ही हम बालासोर से घाटशिला होके जमशेदपुर होके जाएंगे। हम लोग जो रात में भी सोचे थे, फाइनली हम वही खड़गपुर से मिदनापुर होते हुए चंदन कोना से रानीगंज होते हुए NH2 पकड़ के धनबाद जाएंगे। इनको उस रोड पे बहुत भरोसा है, हमेशा NH2 पे ही जाने की कोशिश करते हैं ये, बाकी किसी रोड पे धनबाद जाने के लिए जाना नहीं चाहते हैं। तो अब यही हुआ है फाइल कि हम, जबकि वो थोड़ा शॉर्ट भी है, पर इनका कहना है कि नहीं हम कुछ भी हो इसी साइड से ही जाएंगे। तो भाई अब जब हमारे साथ जो हमारे नेविगेटर हैं, हमारे पार्टनर ने बोला है तो जाना ही पड़ेगा। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ये अभी तक जो हम लोग बोल रहे थे कि सड़क बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, NH16 जस्ट विशाखापट्टनम से कुछ किलोमीटर पहले जैसे हमें डाइवर्ट किया है वो अपर NH16 में रखने के लिए, बिकॉज वो ऊपर ऊपर फ्लाईओवर बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो SH से मिलके फिर NH16 में मिलता है। बीच में पैचेस ठीक है, बट बीच में पैचेस या डाइवर्शंस बहुत ही बुरी हालत में है, ना ही पैचअप हुआ है। एक ही लेन में दोनों ट्रैफिक आ रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक स्लो भी है, ट्रैफिक जैम भी है, और पूरी हमारी जो पूरी एवरेज जो चल रही थी, जो कब कर रहे थे, वो सब चीज़ लंबे और में ये बराबर हो गया है। बहुत ही ख़राब सड़क है, बट कुछ ही दूर है, बहुत लंबी सड़क नहीं है। बीच में वहाँ पे 10 किलोमीटर के आसपास थी, फिर इधर अच्छी सड़क आती है, फिर 1-2 किलोमीटर के आसपास होती है। देखिए इधर भी, इधर आन जी का इधर भी है, इधर लोग अपने कल्चर को इधर लोगों ने छोड़ा नहीं है। तो देखिए ये कहाँ तक है बताते हैं, घूम फिर के वापस NH16 में ही जाते हैं, और हम अभी भी NH16 में ही चल रहे हैं, नेशनल हाईवे 16 पे, जो कि स्ट्रेट कोलकाता की ओर जाएगी। कोलकाता यहाँ से अब 800 किलोमीटर्स है, बट धनबाद अप्रोक्सीमेटली 1000 किलोमीटर्स के आसपास है, बिकॉज हमें वो टर्न लेना है पहले और फिर वापस उधर चंदन कोना से होते हुए रानीगंज की तरफ निकलेंगे, वहाँ से फिर NH2 से होकर धनबाद जाएंगे। और ये देखिए हम विशाखापट्टनम क्रॉस कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन सड़क है, और कुछ भी हो जाए आपको मैं ये सड़क दिखाना नहीं छोड़ सकता हूँ, बिकॉज कहीं पे ये बादल और ये हरियाली और ये जो बेहतरीन सड़क है। और ये अपना NH16 है, जिस पर कि हम बहुत देर से कुछ खाने की ढूंढ रहे थे बट नहीं मिल रहा था, वो ख़राब सड़क होते हुए फिर ये सड़क पर एक्सप्रेसवे पर हम लोग आए हैं। और ये रहा होटल विराज, जहाँ हम रुके हैं कुछ ब्रेक करने के लिए, कुछ लेने को, भूख बहुत जोर की लग गई थी। देखिए लेक्सस में जब भी टोल प्लाजा आता है इस तरीके का सिंबल जलता है, और कितने मीटर्स दूरी पे है ये दिखाता है, चूंकि इम्पोर्टेड डॉलर के साइन में दिखाता है, वहीं के डिजाइन स्ट्रक्चर्स का टाइप लगता है ये।
ये देखिए जैसे जैसे करीब पहुंचेंगे टोल के वो जीरो हो जाएगा। अभी आपको और भी फीचर्स दिखाता हूँ इसके। ये देखिए ये जो यहाँ पे आ रही है ये बैटरी है, अभी बैटरी चार्ज हो रही है। मैंने एक्सेलेरेटर हटा दिया है या ब्रेकिंग करने पे बैटरी, जैसे मैंने एक्सेलेरेटर लिया पहले बैटरी से थर्स्ट जाता है फिर इंजन से। अभी फिलहाल देखिए इंजन और बैटरी, इंजन बैटरी को ही पावर कर रही थी, अभी ये इंजन जो है बैटरी को भी और चक्के दोनों को पावर कर रही है। अब ये बैटरी और इंजन दोनों मिलकर चक्के को पावर कर रही है बिकॉज मैं एक्सेलेरेट कर रहा हूँ आगे, तो दोनों का पावर एक साथ यूज होगा। वेलकम टू उड़ीसा। आज फिर हम अभी आंध्रा से क्रॉस करके अब ये उड़ीसा में इंटर कर चुके हैं। यहाँ से बहरामपुर 18 किलोमीटर है। एक ट्रक वाले ने 9 कार को मार दिया है, 9 गाय को सॉरी, और ट्रैफिक जाम है। पहले हम रॉन्ग साइड भी गए पर रॉन्ग साइड से भी रास्ता क्लोज है, फिर अपने साइड आए उस साइड भी रास्ता क्लोज है। अब 3-4 घंटे का रास्ता ट्रैफिक जाम होगा। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई अंदर गांव की तरफ से कहीं कोई रास्ता मिल जाए, तो जाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा वो हमने खाना खा लिया था वरना और बुरी तरीके से फंसते। हम फंस चुके हैं ऑलरेडी, बट चूंकि बाकी लोग जा रहे थे और गूगल की मदद से किसी तरीके से हम इन संकीर्ण सड़कों से होते हुए NH16 पे पहुंचे। और ये हम NH16 से निकल के अब आए हैं मिदनीपुर मोहनपुर रोड पे और रात के 1:30 बज रहे हैं। हम खड़गपुर से क्रॉस किए हैं NH16 को, अब जाके हमने छोड़ा है। फॉग बहुत था पहले भी और सड़क जितनी अच्छी थी भुवनेश्वर तक, विशाखापट्टनम तक इनफैक्ट, उसके बाद पैचेस में ठीक है बट उसके बाद से तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। और अभी हम यहाँ से अब धनबाद के लिए चल पड़े हैं। देखिए इस सड़क पे मवेशियों से बहुत ज़्यादा मुलाकात हुई और शायद कुछ तस्कर्स भी थे इसमें बिकॉज रात को सिर्फ सब कोई गाड़ी में लोड हो रही थी, तो थोड़ा सा ये सड़क डरावना भी लग रहा था कि कहीं ऐसा कुछ सीडेंसेज ना हो जाए। हमें जैसे बताया गया कि अनुमान ये सड़क सेफ है, बस हमें बहुत ज़्यादा लेफ्ट राइट्स नहीं टर्न करने हैं। लोकल्स ने बताया कि यहाँ जो भी गाड़ियाँ जाती हैं वो कोई भी बच नहीं पाती है। और भाई 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 रिवर्स कर रिवर्स कर रिवर्स कर, देख 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 कुछ तो है कुछ तो भाई, किधर 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 जाए किधर चल, जो भी रास्ता मिलता है पहले टर्न कर टर्न कर टर्न कर जल्दी कर, बस यहाँ से निकल देखते हैं जो। ये देखिए यहाँ पे हमें बताया गया था कि लेफ्ट राइट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बट आज हमने पहली बार ऐसा इनकाउंटर भी किया। पर जो भी हो हमने अब मेन सड़क नहीं छोड़ना है, बस किसी तरीके से हम सही सलामत यहाँ से पहुँच जाए बिकॉज हमें यहाँ से बैक भी नहीं करने का ऑप्शन है। और अब तो शायद बीच शहर से हम क्रॉस कर रहे हैं। बंगाल पुलिस एट वर्क, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, आप समझ सकते हो क्या कर रहे हैं। और फाइनली हम अब पहुँच चुके हैं NH19 जो कि कोलकाता दिल्ली नेशनल हाईवे है। समय हो गया है 6:30 और हम पहुँच चुके हैं धनबाद। ऑलमोस्ट 2400 किलोमीटर हमने दो दिन में चलाया। आज की अगर बात करें तो 1400 किलोमीटर हमने पूरे 23 घंटे नॉनस्टॉप ड्राइव की है। इससे पहले का हमारा रिकॉर्ड था जिसमें कि डॉक्टर मनीष भी थे, वो मेरा और डॉक्टर मनीष का पहला टूर था वो, और जो 21 घंटे का था वो वे बैक इन 2010। और अभी आज 2022 18 अक्टूबर को हमने ये रिकॉर्ड को ब्रेक किया, नॉनस्टॉप 23 घंटे चले हैं। और जी दो दिनों में मतलब अगर काउंट करें तो 40 घंटों से भी कम समय में हमने 2400 किलोमीटर ड्राइव किया है, तो ड्राइव बहुत ही मजा आया है ये चलाकर। अभी कुछ देर पहले ही डॉक्टर मनीष मेरे से पूछ रहे थे रिकॉर्ड एक और अपना बना के और अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ के कैसा लगा, तो बस अपने आप में एक पुष्टि है कि हम इतने लंबे ड्राइव भी कर सकते हैं। और आपको बताऊँ आप चेहरे पर देखिए ऐसी थोड़ी बहुत थकान नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, लेकिन हाँ 23 घंटे चलाना तो स्ट्रेसफुल होता है थोड़ा सा। बट सड़क अनुमान अच्छी थी, विशाखापट्टनम तक तो भुवनेश्वर के भी कुछ कुछ स्ट्रेचेस बहुत अच्छे थे, उसके बाद के स्ट्रेचेस खराब थे। और जो हम उधर से इंटर किए खड़गपुर से वो रास्ता थोड़ा सा डिस्टर्ब था जिसकी वजह से थोड़ा सा और समय लग गया। तो 1400 किलोमीटर लेकिन आज टाइमिंग हमारी ज़्यादा होगी 23 घंटे में।
और ये हम पहुंच गए धनबाद। ये कार आपकी है, लेक्सस, कैसी लगी? मजा आया? ये वीडियो थोड़ी पुरानी है, 2022 अक्टूबर की है। उसके बाद फिर हम जा चुके हैं जिसका वीडियो और चेन्नई का, जो फिर से आपके पास आएगा। बट अब सड़क बहुत अच्छी बनी हुई है अभी इन 2024। और मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए सफ़र के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ़।